नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्वाण। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में एक माह पूर्व हुई बकरी लूट के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने लूट के बाद हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के असोडा में एक माह पूर्व कार सवार कुछ बदमाशों ने बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं बकरी चोरी की घटना पर एक महिला जाग गई थी और फिर उसने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया था। जब महिला बदमाशों को पकड़ रही थी तभी बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया था। महिला को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक तमंचा, 2 चाकू, एक वैगनार कार, अपाचे बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देते थे। ये दिनांक 12/10/21 के सुबह में कुछ जो असोड़ा गांव है, थाना हापुड़ देहात में पड़ता है, वहाँ पे एक महिला के घर में जो बकरी चोरी करने की घटना हुई थी, जिसमें महिला का जब विरोध किया गया महिला के द्वारा, तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। उसमें उसको महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ टाइम के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। इसी मुकदमे में, इसमें 302 का मुकदमा भी लिखा गया था। इसमें SOG टीम और हापुड़ देहात की पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं उनका नाम है प्यार उर्फ अनस पुत्र शरीफ। ये लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रहने वाले हैं। इनका पहले भी बहुत आपराधिक इतिहास है, लगभग आधा दर्जन इस पे मुकदमे हैं, जिसमें गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में भी इसमें FIR दर्ज हैं पहले से ही। और इसके साथ 2 अभियुक्त इरफान और रईस, इनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो इरफान है ये इनसे इनके साथ ही रेकी करके और घटना कारित करता था। जो असोड़ा गांव में घटना हुई उसमें भी ये संलिप्त था। और जो रईस नाम का व्यक्ति है ये मीट का कारोबार करता है, और जो चोरी किए गए पशु होते हैं वो इसी को जाके ये बेचते हैं। अगर बकरी है तो इसने लगभग वो 5,000 के आसपास इन्होंने इसको बेची थी। और अन्य भी चोरों से, ये जो रईस नाम का व्यक्ति है, ये इस तरह के पशु चोरी में जो चोरी की घटना में जो रहते हैं उनको खरीदता है और आगे फिर उनको बेचता है। सर, घटना में ये 3 लोग शामिल थे, इनके अलावा और भी? नहीं, इसमें अन्य 2 लोग, जो प्यार और फनस है, इसके 2 भाई और हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, और पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बरामदगी क्या हुई है? इनके पास से एक तो जो वैगनार गाड़ी थी जिससे इन्होंने ये घटना कारित की थी वो मिली है, एक बाइक मिली है, तमंचा और 2 चाकू भी इनसे बरामद हुए। Audio Jungle.